हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपका कि पिछली सारी की सारी क्लासेस जो मैंने आपको बताई हैं अभी तक, इससे पहले डिस्क के ऊपर, वो आपको समझ में आई होंगी। मैं आप सभी लोगों का चैनल रेबित एकेडमी में स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फ्रैक्शंस। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों आपने फ्रैक्शंस के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है। आज मैं थोड़ा सा पहले उसको रिकैप्चुलेट करूंगा, उसे दोबारा से रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स जो है मैं थोड़े से और क्लियर हो जाएं। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये है कि हम इस फ्रैक्शंस के अंदर जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करते थे, कुछ चीजों को हम आगे बताएंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। तो फ्रैक्शन सबसे पहले क्या है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ए फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल, जो एक किसी भी पूरी की पूरी वस्तु या किसी पूरी की पूरी चीज का अंश बताता है, हिस्सा बताता है। द होल में भी ए सिंगल, वो पूरा का पूरा अंश कोई एक चीज भी हो सकती है या किसी वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले इन फ्रैक्शंस के बारे में अलग अलग पढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में कोई एक चपाती है, रोटी है, ये कंप्लीट रोटी, ये आपका होल है, इसको हम बोलते हैं होल। क्लियर। मान लीजिए कि हम इसके तीन हिस्से कर लेते हैं, ये लीजिए, एक हिस्सा आपके पास में ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीन हिस्से हो गए। क्लियर, कितने हिस्से हो गए एक के? तीन। ठीक, अब इन तीनों हिस्सों में से मान लीजिए कि ये दो हिस्सा जो है किसी एक व्यक्ति एक्स को दे दिया जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि एक्स को पूरी रोटी का कितना अंश दिया गया, कितना हिस्सा दिया गया, तो इसके पार्ट कितने हैं? टोटल थ्री। तो थ्री जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हमने नीचे लिखा, और जितने हिस्से उसको दिए गए थे वो हिस्सा हम ऊपर लिख देते, तो उसको कितने हिस्से दिए गए? दो, टू। तो टोटल रोटी का उसको कितना अंश दिया गया? दो बटा तीन। कितना दिया गया? दो बटा तीन। ये आपका हो गया फ्रैक्शन। अब आगे समझ बात, ये तो हो गया आपका तब जब होल जो है वो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब अगर ग्रुप में ऑब्जेक्ट हो तो वो भी देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 जो है मार्बल्स हैं, मार्बल्स कंचे, ये 10 आपके पास मार्बल्स हैं, कंचे हैं। इनमें से तो टोटल कंचे कितने हैं? 10। तो हमने 10 को नीचे दे दिया। इनमें से मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 कंचे जो हैं किसी एक व्यक्ति वाई को दे दिए गए, तो वाई को कितने अंश दिया गया, कंचों के कितना भाग दिया गया, तो कितने दिए गए? 4। तो 4/10 कितना आ गया? 4/10। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में लेंगे, तो 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, तो इसका मतलब उसका फ्रैक्शन कितना हुआ? 2/5 फ्रैक्शन उसका हो गया। ठीक है, तो ये यहां पर जो कंचे हैं ये ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स हो गए, और ये जो रोटी मैंने आपको बताई थी ये क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट हो गई। इस प्रकार से फ्रैक्शन हमेशा किसी भी होल पार्ट का अंश बताता है कि उसका वो कितना हिस्सा है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था आपके पास फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम आगे चलते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आपको वीडियो में लिखा हुआ थोड़ा सा महीन दिख रहा है तो आप इसको जूम कर लेंगे तो जूम करके आपको ये क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने बताए थे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, इक्विवेलेंट, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम एक एक फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। आप इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लें और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसको अच्छे से समझ लें कि क्या होते, ताकि आपको जब आप समझ करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या है यहां पर? यहां पर है न्यूमरेटर इज लेस देन
डिनोमिनेटर, ये लेस देन का साइन है ये, ठीक। जैसे 7/9 ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो देखिए ऊपर 7/9 से आपका छोटा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर जो होती है वो नीचे वाले से छोटी होती है, डिनोमिनेटर से छोटी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ये देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, वो हमारे होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है आपका होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में अगर आप होल नंबर को जोड़ दें तो उससे जो आपको संख्या मिलेगी वो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल 2, यहां पर ये एक होल नंबर है, आप होल नंबर पता है आपको, 0 से लेकर के सारे नेचुरल नंबर्स के साथ जब 0 मिल जाता है तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि यहां पर आपका होल नंबर 0 को छोड़ दें, नॉन जीरो जितने भी नंबर सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर है। तो यहां पर देखें 2 आपके पास एक होल नंबर पार्ट हो गया, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता है क्या, कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो यहां पर 3/5 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया 2, 3/5, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो ध्यान रखना मिक्स फ्रैक्शन जो होता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, उनका एडिशन है। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, की कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नंबर है उसको अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर को यदि हम नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें अगर हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो, और उसके बाद उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। देखिए होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहां पर देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहां पर देखिए हमारे पास एक नंबर लिखा है, ये तो फॉर्मूला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको छोड़ दीजिए आप। यहां पर देखिए 3, 2/5 मिक्स फ्रैक्शन लिखा है आपका, ये होल पार्ट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। अब यहां पर देखिए आपका ये जो नंबर है आपके पास, ठीक, ये नंबर आपका ये 3 होल नंबर हो गया, 2 न्यूमरेटर हो गया और 5 आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला देखिए होल नंबर आपका कौन सा है, 3 लिख दिया, डिनोमिनेटर आपका 5 है, यहां पर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, इसके बाद आपके पास में ये 2 है, यहां पर हमने 2 लिख दिया। अब यहां पर 5 3 15 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 15 प्लस 2/5, तो कितना है 17 अपॉन आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो ये 5 जो है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये 5 डिनोमिनेटर है, 17 न्यूमरेटर है, और यहां पर आप देखिए न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इसको इम्प्रॉपर को सॉरी हाँ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब हम आते हैं आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ऊपर। अभी हमने आपको प्रॉपर बता दिया, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर में ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी होती है यानी न्यूमरेटर बड़ी होती है डिनोमिनेटर से। मिक्स फ्रैक्शन को आपको पता है कि होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला करके लिख देते हैं तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। तीसरा मैंने बताया कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन को, हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक ही नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या है ना, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर से ध्यान सुने, कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास में एक्स अपॉन वाई, कोई भी एक फ्रैक्शन हो, यदि आप उसके न्यूमरेटर यानी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये एन आपका नॉन जीरो है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को एक ही नंबर से तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक्स अपॉन वाई के बराबर होगा, एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बराबर। तो देखिए एग्जांपल 3/2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसमें हमने 2, 2 दोनों में एक ही नंबर मल्टीप्लाई किया, 3, 3, 4, 4, 5, 5, तो ये सारे के सारा जो हमें आंसर मिलकर के आएगा ये हमारे पास जो है इस सब 3/2 के ही बराबर होंगे। जैसे देख लीजिएगा इसको 6/3 to the 6 और 2 to the 4, 6/4 आ गया, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे लोअस्ट टर्म में बदलेंगे तो ये 3/2 ही आ जाएगा। इस तरह से 9/6 आएगा, ये भी 3/2 आ जाएगा आपका,
यहां पर 12 अपॉन 8 आएगा, इसको भी जब कैंसिल करोगे तो 3 अपॉन 2 ही आएगा, तो यहां पर डैश डैश करके 3 इंटू एन अपॉन 2 इंटू एन, एन यहां पर कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, सेम नंबर है, नॉन जीरो सेम नंबर से, यानी यहां पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आगे तक इनफाइनाइट तक, तो जितने भी आपको नंबर मिलेंगे वो सब अगर उनका लोएस्ट टर्म आप निकालेंगे तो 3 अपॉन 2 के बराबर ही होगा। अब यहां कंडीशन आती है, अगर a अपॉन b एंड c अपॉन d ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो, एक दूसरे के बराबर हो वैल्यू में, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा, यानी a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी। ये तब होगा जब a अपॉन b और c अपॉन d दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अब हमारे पास आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हमेशा वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, नीचे के डिनोमिनेटर जिसके बराबर होंगे वो सब लाइक होगा, और जिसमें आपके नीचे के डिनोमिनेटर जो है वो बराबर नहीं होंगे वो आपके अनलाइक होंगे, यानी अलग अलग डिनोमिनेटर वाले अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं और सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको आज का ये टॉपिक, ध्यान रखना इस वीडियो को आप दो तीन बार देखकर कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। अगर आपको इसमें कुछ और जानकारी लेनी हो, कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, आपको उस क्लास की अगली क्लास में आपको उसको वो बता दिया जाएगा। ओके, आज यहीं तक बताएंगे, फिर कल हम आपको जो बताएंगे कंपैरिजन बताएंगे रेशनल नंबर्स के अंदर, और उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी जाएगी ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें और आपको ये पता लग सके कोई कंसेप्ट आपका कहीं कोई छूट तो नहीं गया। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, आज क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं।